हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली और आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। हमें बहुत ही ज्यादा एक अच्छी वीडियो मिली है, सो जिसका टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रिस्पेक्ट मोमेंट। सो गाइस, जैसे कि इसका हमें जो पोस्टर दिख रहा है, थंबनेल दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और ऐसे सीन्स बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इसलिए। सो गाइज, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। सीधा करो ना, चलो परफेक्ट। Quite a crunch there, and both go down. Well, two strong men, two big men. And look at this collision. Sidhu Buckner was trying to take position. His leg. How do you feel? You've charged in. You've given it everything you possibly can. And it. Try the ball and hold the ball now, and it came even quicker. And got him in the shin, the bottom of the shin, or maybe the ankle bone. That hurts. Well, he's fought few batsmen in his career. How about that? That must have hurt him quite badly. He wasn't expecting it. जो मैं recent times में खेला हूँ bowling. आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में दो तीन जो टॉप के बोलर्स हैं। वन ऑफ द टफेस्ट बोलर्स टू प्ले। वन ऑफ द टफेस्ट बोलर्स आई हैव प्लेड। एक तो अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप जब अच्छा कर रहे होते थे आपको पे ऑफ तो उसका मिलता है, लेकिन ये है कि नो डाउट वो अच्छा बैट्समैन है और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको यकीन होता है कि आप इससे अच्छा और कर सकते हैं और अच्छा। और मेरा फेवरेट बैट्समैन है, मैं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ कि रिसेंट टाइम का काफ़ी टफ बैट्समैन है, और उसके खिलाफ जब भी आप बॉलिंग करते हैं तो आपको भी टफ होना पड़ता है। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो आई थिंक उसको फील होता है, और एज अ प्लेयर मेरे लिए भी एक अच्छा बूस्टर है कि मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँ।
ऐसी वीडियोस नहीं देखने को मिलेगी कभी भी। सो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी और बहुत मतलब सीन्स जो हमने देखे, हमें कहीं पे भी ऐसे सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा रेयर है। बट मतलब देखकर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अगर मतलब दूसरी टीम को अगर चोट लग रही है तो वो सब ऐसा नहीं कि एक कोई आ रहा है, दो आ रहे हैं, बट सब लोग आके जिस तरह से हेल्प करने कर रहे हैं, वो बहुत देखकर यू नो अच्छा लगता है कि सब मतलब एक सब एक स्पोर्ट्समैनशिप है बीबी, मतलब उनके अंदर। और वो जो लास्ट वाला था ना, जो उनके शूलेस बांध रहे थे, वो तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। लाइक मतलब ऐसे जरूरी नहीं है वही करते, और भी कोई कर सकता था, बट वो खुद गए करने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। एंड एक और चीज जो उन्होंने बोली कि मतलब जैसे एक दूसरे प्लेयर की भी तारीफ करना जो कि दूसरी टीम से है, मतलब जैसे विराट कोहली ने आमिर खान की तारीफ की थी कि उनकी बोलिंग बहुत अच्छी है, जो उनको टफेस्ट लगती है, फिर उन्होंने भी इन रिटर्न उनकी भी मतलब तारीफ की कि वो खुद कि वो मतलब फेवरेट बैट्समैन है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि मतलब अभी भी मतलब लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि नहीं वो दूसरी टीम से है तो हम उनकी इतनी तारीफ नहीं करेंगे, बट अभी भी वो एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और ऐसी और भी अगर वीडियोस होंगी तो हम उसमें भी रिएक्शन देंगे, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमें बताना जरूर अगर ऐसी और कोई वीडियो हो, और आप लोग बताना आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।